व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोरुटो मांगा चैप्टर 58 के कुछ प्रेडिक्शंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है कि एडा एंड कोड अटैक कोनोहा। तो जब पहले के चैप्टर्स में हमें पता चला कि इशिके उत्सुत्सुकी अब नहीं रहा, वो मर चुका है, तो हमें यह भी पता चला था कि कोड के ऊपर वाइट कर्म है जो कि इशिके उत्सुत्सुकी का ही है। इसी के उत्सुत्सुकी अब आफ्टर लाइफ से कोड से बातें कर सकता है और उसके प्लान्स बता सकता है, उसकी गोल्स बता सकता है, और कोड अब उसकी बातें भी मान रहा है क्योंकि कोड इसी के उत्सुत्सुकी को ही अपना भगवान मानता था। और इसीलिए वो एडा के साथ अब बाकी कारा मेंबर्स को लेकर कोनोहा में अटैक मारेगा। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी के अनुसार मोमोशिकी विल अपियर इन बोरुटोज़ माइंड। तो इसमें क्या होगा कि बोरुटो जो है फिर से मोमोशिकी को देखेगा, जैसे कि उसने बोरुटो एनीमे एपिसोड 197 में देखा था एक बार। तो उसके पास कावाकी था, उसने पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा, तो वो बताएगा कि नहीं कोई मैंने कुछ नहीं देखा। तो ऐसा ही फिर से हो सकता है मोमोशिकी फिर अपियर हो और उस बोरुटो के माइंड में, और वो उसे बताए अपने गोल्स के बारे में, या फिर अपने बारे में भी बता सकता है वो कि वो कहाँ से आया है, उसके क्लैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, और ये भी बताएगा कि वो बोरुटो के बॉडी पर बहुत जल्दी कंट्रोल कर रहा है और जल्दी से जल्दी वो रेजरेक्ट कर लेगा बोरुटो के बॉडी में और बोरुटो एग्जिस्टेंस से चला जाएगा। लेकिन हमारा बोरुटो जो है वो बैड एस किस तरीके से उसके बातें इनकार लेगा, और फिर जैसे कि हमें दिखाया जाएगा कि बोरुटो उसके बातें नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होगा कि नहीं कि मैं गलत हूँ, मुझे इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी भी यहीं ख़त्म होती है। सो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी निकल के आती है सास्के विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस चैप्टर 58। सो इस पॉसिबिलिटी के अनुसार क्या होगा कि सास्के जो है कुछ बड़ा प्लान करेगा, क्योंकि हमें पिछले दो चैप्टर से सास्के गायब दिख रहा है और उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम हो चुका है पिछले कुछ चैप्टरों के मुकाबले। तो हो सकता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो कि वो कारा मेंबर्स को कैसे हरा सके, कोड को कैसे हरा सके। अब उसे एडा के बारे में पता चल सकता है, अगर मेरा पहला पॉसिबिलिटी अगर सही निकल गया नेक्स्ट चैप्टर में, तो एडा के बारे में भी सोचेगा कि कैसे उसको हरा सके, क्योंकि हमें पता है एडा के शेनरिंगान की पावर कुछ ज़्यादा ही है। और ये भी पता चलेगा कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, क्योंकि वो बोरुटो के बॉडी से कैसे मोमोशिकी को निकाल सकता है या फिर स्टफ़ लाइक दैट। और अब क्योंकि उसके पास रिनेगन भी नहीं है, तो उसके जो सबसे पावरफुल एबिलिटीज़ हैं जैसे कि डायमेंशन में ट्रैवल करना, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल करना, तो उसके पास वो अब नहीं है रिनेगन। तो हो सकता है वो अब प्लान करे कि वो रिनेगन को कैसे वापस पा सकता है, या फिर कैसे वो रिनेगन के बिना ही लड़ सकता है कारा मेंबर से या फिर मोमोशिकी से, जो कि बोरुटो के बॉडी में फिर से रिजर्व करने वाला है। सो गाइस, इतने ही थे हमारे पॉसिबिलिटीज़। ये सारे मेरे ओपिनियंस हैं, आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स कर सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, इनके बिना भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके राइटर है किशिमोटो जो कुरामा को मरवा दिए। अब भगवान जाने क्या होगा। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है, अगर लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। पीस आउट।